एक था चूहा, नटखट चूहा। घूमते घूमते एक दिन नटखट चूहे को मिला एक कपड़ा। कपड़ा उठाकर चूहा उससे खेलने लगा। खेलते खेलते उसने कपड़े को सिर पर रख लिया। तभी नटखट चूहे को लगा कि अगर मैं इस कपड़े की टोपी बनवा लूं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सोचकर वो दर्जी की दुकान पर पहुंचा और दर्जी से बोला, दर्जी दर्जी, मेरे लिए इस कपड़े की टोपी बना दो। कौन है तू? पैसे हैं तेरे पास? मैं हूँ नटखट चूहा, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो भाग यहाँ से, मैं मुफ्त में काम नहीं करूँगा। नहीं करेगा मेरा काम? नहीं करूँगा नहीं करूँगा, बोल क्या कर लेगा तू? अभी बताता हूँ। सुन, रात को मैं आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, तेरे कपड़े काटूंगा, खड़ा तमाशा देखूंगा। अरे बाप रे बाप, चूहे की फौज? नहीं नहीं नहीं, चूहे राजा नहीं नहीं, लाओ 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 लाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी टोपी बना दूँ। और दर्जी ने बनाई चूहे राजा के लिए एक सुंदर सी टोपी। चूहे ने टोपी देखी और सोचने लगा, टोपी लगाकर मैं कितना सुंदर लगता हूँ, लेकिन ये टोपी तो बड़ी सादी सी है, अगर इसमें गोटा लग जाए तो ये और भी सुंदर हो जाए। और भाई चूहा चला गोटे वाले के पास और गोटे वाले से बोला, ए गोटे वाले। अरे कौन है भाई? मैं हूँ नटखट चूहा, देखो मेरी ये टोपी, मैं इसमें गोटा लगवाने आया हूँ। गोटा लगवाने आया है? पैसे लाया है? पैसे? कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे तो जब पैसे नहीं है तो भाग यहाँ से, भाग। अच्छा तो गोटा नहीं लगाओगे? ठीक है, रात को मैं आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, तेरे कपड़े काटूंगा, खड़ा तमाशा देखूंगा। अरे अरे अरे, पूरी फौज ले आओगे? ना बाबा ना ना ना, ला लाओ लाओ, मैं तुम्हारी टोपी में गोटा लगा देता हूँ। और भाई गोटे वाले ने जल्दी जल्दी चूहे राजा की टोपी में गोटा लगाया। चूहा टोपी देखकर बहुत खुश हुआ। जब उसने सिर पर टोपी लगाकर शीशे में देखा तो सोचने लगा, आहा, मैं कितना सुंदर लगता हूँ और मेरी टोपी, वाह, अगर टोपी में मोती और लग जाए तो और भी मजा आ जाए। चलो मोती वाले के पास चलता हूँ। बस चल दिए चूहे राजा मोती वाले के पास और मोती वाले से जाकर बोले, ए मोती वाले। कौन है भाई? ये हम हैं चूहे राजा। देखो हमारी इस टोपी में सुंदर सुंदर मोती तो लगा दो। सुंदर सुंदर मोती तो लगा दो? बड़े आए तुम, है मोती लगवाने आए हो? पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे कैसे? पैसे कैसे? अरे मुफ्त में मोती कहीं लगते हैं? भाग यहाँ से। अच्छा नहीं लगाओगे? तो सुनो, रात को मैं आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, तेरे कपड़े काटूंगा, खड़ा तमाशा देखूंगा। ये क्या? नहीं 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 नहीं, चूहे राजा, नाराज ना हो नाराज ना हो, लाओ 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 अपनी टोपी, मैं अभी मोती लगाए देता हूँ। बस
फिर क्या था, मोती वाले ने नटखट चूहे की टोपी में सुंदर सुंदर मोती लगा दिए। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने टोपी लगाकर शीशे में झांका और सोचने लगा, मेरी टोपी कितनी सुंदर, ये तो राजा की टोपी से भी सुंदर है। चलो चलकर राजा को चिढ़ाऊं, बड़ा मजा आएगा। बस चूहे राजा चल पड़े राजा के दरबार में। राजा के दरबार में बहुत सारे लोग थे। चूहे ने वहां पहुंचकर गाना शुरू किया, राजा से अच्छी मेरी टोपी, राजा से अच्छी मेरी टोपी, राजा से अच्छी मेरी टोपी। राजा ने जब चूहे की बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। राजा ने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों पकड़ लो इस चूहे को और छीन लो इसकी टोपी। सिपाहियों ने चूहे को पकड़कर उसे टोपी छीन ली। चूहे को बहुत बुरा लगा, बहुत जोर से चिल्लाने लगा, राजा चोर मेरी टोपी छीन ली, राजा भिखारी मेरी टोपी छीन ली, राजा कंगाल मेरी टोपी छीन ली, राजा चोर राजा भिखारी राजा कंगाल। सिपाहियों छोड़ दो इस शैतान को, इस शैतान चूहे को, और इसको दे दो इसकी टोपी। सिपाहियों ने चूहे को छोड़ दिया और उसकी टोपी भी लौटा दी। चूहे ने जल्दी से टोपी उठाई, सिर पर रखी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, राजा डरपोक मेरी टोपी दे दी, राजा डरपोक मेरी टोपी दे दी, राजा कायर मेरी टोपी वापस दी, राजा कायर मेरी टोपी वापस दी। सिपाहियों पकड़ लो इस नटखट चूहे को और बंद कर दो पिंजरे में। लेकिन तब तक नटखट चूहा लोगों के पैरों के नीचे से छुपकर भाग गया और घुस गया एक नाली में। राजा बेचारा देखता रह गया और सिपाही हाथ मलते रह गए और नटखट चूहा वो तो भाग गया।